बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छे सनस्क्रीन के बारे में। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक अच्छा ब्रांड का हमें सनस्क्रीन सजेस्ट कीजिए जो हमारी एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा हो, हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा हो, इवन हमारी अगर ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर भी अच्छा रहे, ज्यादा जो है हमें हमारी स्किन को ऑयली ना बनाए। देखो यार, सनस्क्रीन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा कुछ सनस्क्रीन होती है जो थिक होते हैं टेक्सचर के अंदर, और उसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा ग्रीजी चेहरा हो जाता है। सो लोग पसंद नहीं करते हैं सनस्क्रीन लगाना, लेकिन आज के डेट में स्पेशली समर्स के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सनस्क्रीन लगाना, लेकिन जो कि अभी आज से 2 से 3 महीने बाद समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा एक सनस्क्रीन यूज करना अपनी स्किन पे, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा यूवीबी रेडिएशन हो चुका है और ऐसे में स्किन का जो डायरेक्ट एक्सपोजर है सन में वो अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, आपको स्किन कैंसर और जाने कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो उन सबको क्योर करने के लिए, उन सबसे हमको अपनी स्किन को, अपने बॉडी को बचाने के लिए आपको एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आज की वीडियो में एक ऐसे ही ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसका सनस्क्रीन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसके अंदर जो जो अच्छी बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और आई थिंक पूरे इंडिया में कोई और दूसरा ब्रांड ये जो चीजें हैं वो ऑफर नहीं कर सकता आपको। सो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उस ब्रांड के सारे इंग्रेडिएंट, नाम और उसके जो जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, साथ ही उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जिस ब्रांड की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी उसका नाम है जेड ब्लॉक जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन जेल। अब इसके कुछ जो की बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि SPF 50 प्लस है इसके अंदर, PA ट्रिपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, UAV है इसके अंदर क्रिटिकल वेवलेंथ 370 तक आपको प्रोटेक्ट करता है, नो केमिकल्स सनस्क्रीन है, किसी भी तरह का हार्श केमिकल नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को डैमेज करे, आपकी स्किन को इरिटेट करे। ठीक है, वेरी वाटर रेजिस्टेंट है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, पैराबिन फ्री है ये, नॉन ओपेक्यू, अल्ट्रा लाइट क्यों है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वेलवेटी फील है, 50 ml की जो है पैकेजिंग है। कुछ और ज़्यादा इसके की बेनिफिट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखो यार, नॉन कोमेडोजेनिक है, नो हार्मफुल केमिकल्स, नो एनिमल टेस्टिंग, प्रिजर्वेटिव फ्री है, ठीक है, वेरी वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, अगर आप पानी में भी इसको लगा के जा रहे हो तो 80 मिनट तक आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जो चीप ब्रांड्स की सनस्क्रीन्स आती हैं वो बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाती हैं अगर आप पानी से धो लेते हैं अपने फेस को, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, पेट्रोलियम फ्री है। ठीक है, और एक सबसे बेस्ट चीज़ जो हर सनस्क्रीन में आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत गलत होती है, कि जब आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करते हो जो अच्छी ब्रांड की नहीं होती है, वो एक वाइट कास्ट छोड़ के जाती है आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है, आपकी स्किन अजीब सी वाइटिश लगती है कि यार आपने कुछ ऐसा लगा लिया, जैसे कोई फेयरनेस क्रीम लगा लिया। ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मानिए आप एकदम पानी की तरह है। ठीक है, तो ये इतनी जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है कि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और इट्स अ पैराबिन फ्री प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड इसमें कितने परसेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 25% आपको जिंक ऑक्साइड इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर फिर आपको जो है विटामिन ई एसिटेट देखने को मिलता है। ठीक है, और सिलिकॉन ऑयल है, थोड़ा सा इसके अंदर परफ्यूम डाला गया है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता इसके अंदर कोई स्मेल है, मतलब कि उसमें नेचुरल चीज़ ही डाली गई है, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया, ऐसा कोई हार्श केमिकल नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। बिकॉज मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी स्किन पर सूट कर रहा है तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी की स्किन को ये प्रॉब्लम देगा, बिकॉज मेरी स्किन खुद से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो अब इसके और कुछ यहां पे आप की बेनिफिट्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 25% जिंक ऑक्साइड है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये जो ऑफर करती है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है वो भी ऑफर नहीं करते हैं। प्राइसिंग अगर आप यहां पर देखें तो 700 rupees यहां पर लिखी हुई है, लेकिन Amazon पे आई थिंक ये 650 के अराउंड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यार कितनी प्राइसिंग चल रही है, पर मुझे बेसिक आइडिया कि 650 के अराउंड अभी जो है चल रहा है। ठीक है, एथिकेयर रेमेडीज जो इसकी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये तो हो गया हमारा पैकेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सनस्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और
कैसे करना है उसका भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको उसको अच्छे से शेक करना है यूज करने से पहले, ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्सअप हो जाए और एकदम सही से जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए और ये अच्छे से वर्क करे, ठीक है। और इसको आपको रीअप्लाई करना है, ठीक है, कुछ टाइम बाद में, जैसे कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो स्वेट है, जैसे कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और आपने लगाया हुआ है, तो उसके बाद आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो धूप में जाने के बाद में। और देखो यार, सनस्क्रीन को यूज करने का और उसको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि जब आप उसको अप्लाई करें, आपको उसको ऐसे रगड़ना नहीं है अपनी स्किन पे, बस हल्का सा जो है उसको स्प्रेड करना है, थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब होने देना है जब तक वो वैनिश नहीं हो जाती, बिकॉज ये जो चीजें हैं बहुत जल्दी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। और 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है। और अगर मैं इसको लगा के दिखाऊं आप लोगों को, तो इसको बस आपको ऐसे लगा लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे थोड़ी देर छोड़ना है, और उसके बाद में आप इसको हल्का सा ऐसे स्प्रेड कर करके अपने स्किन पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है, और जब तक ये पूरी तरह से वैनिश नहीं हो जाती तब तक आप इसको लगाए रहने दें। आप बाद में आप देखते हैं कि आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है और किसी भी तरह का व्हाइट कास्ट ये आपकी स्किन के ऊपर नहीं दे रही है, ठीक है। ये तो हो गई इसके एडवांटेजेस की बात की, यार ये अच्छी है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, किसी भी तरह का हार्श केमिकल नहीं डाला गया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी अगर आप इसको स्किन के ऊपर यूज कर रहे हो। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है डिसएडवांटेजेस के बारे में, बिकॉज डिसएडवांटेजेस भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज जो मुझे इसका लगा वो ये है कि यार थोड़ा सा मुझे ये चीज जो ये प्रोडक्ट है ये एक्सपेंसिव लगा, बिकॉज इसकी क्वांटिटी है 50 ml और 700 अराउंड आपको ये पड़ती है। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी सनस्क्रीन ब्रांड से, जैसे कि एरोमा मैजिक वगैरह के आते हैं, गुड वाइब्स के आते हैं, बाकी जो ब्रांड्स हैं जो मेडिकेटेड हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगती है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगती है। लेकिन यार एक्सपेंसिव होने का रीजन भी है, बिकॉज जो ये चीज ऑफर कर रही है, जो इसके क्लेम्स हैं, वो आई थिंक कोई और ब्रांड ऑफर नहीं करता है, ठीक है। तो ये था मेरा रिव्यू इस सनस्क्रीन का, ठीक है, जेड ब्लॉक सनस्क्रीन इसका नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप चाहो परचेज कर सकते हो, आंख बंद करके परचेज कर सकते हो, एक्ने की प्रॉब्लम है तो भी आप परचेज कर सकते हो, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने भी स्किन के ऊपर ट्राई कर लिया, मुझे सूट कर गया तो आपको भी कर जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। तो यार ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू इस सनस्क्रीन के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है, अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है इस वीडियो में, सो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा अजीब लगता है कमेंट में पूछना, तो हम पर्सनली पूछ लेते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। डिजिटल शो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप साइड में देख सकते हो, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, shubham1111@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, वहां पर मुझे पूछ सकते हो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड है, अगर आपको है, अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। सो ठीक है, बस इतना ही कहना था।